हाँ तो भैया बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अप्रोक्स सेम ही है, बस प्रोसेसर चेंज है, ISP चेंज है, एक आध नया कलर के साथ आया है, स्टोरेज वेरिएंट बस चेंज हो गया है, अभी जो है 128 GB में नहीं मिल रहा है, 8 GB 256 GB में मिल। तो हाँ बिल्कुल, आज बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE मतलब फैन एडिशन के बारे में। अभी आप ये 2021 वाला नहीं है, ये 2023 वाला है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी है कि सैमसंग ये वाला जो स्मार्टफोन है, इसे पुराना स्मार्टफोन को 2021 के स्मार्टफोन को अभी 2023 में फिर से क्यों लॉन्च कर रहा है। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 जो है, 888 के साथ अगर हम स्मार्टफोन लेंगे तो वहाँ पे क्या क्या इश्यूज रहेगा या फिर क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। एंड S21 FE का सारा अपडेट्स भी खत्म हो गया है। एप्रोक्स यहाँ पे एंड्रॉयड 12 के साथ आया था, अभी एंड्रॉयड 14 का जमाना है, तो मतलब क्या यहाँ पे अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सारे कन्फ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये वाला जो स्मार्टफोन है, क्या ये वर्थ है, मतलब इसका जो प्राइस है उस प्राइस में ये सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा लेना। एंड ये वाला स्मार्टफोन जो है, ये एक्चुअली में किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के जो भक्त है, अंधा भक्त, उन लोगों को टारगेट करता है या फिर जो लोग एक न्यूट्रल मतलब यूजर है उन लोगों को टारगेट करता है, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है रहो वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त प्रणव। तो इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज जो है मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, बैक में हालांकि पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक है, पर यहाँ पे फ्रेम जो है ना वो एल्यूमिनियम का फ्रेम है। एंड यहाँ पे जो IP प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा IP68 का, जो मतलब काफी बढ़िया है भाई। इसे लेके आप तालाब के नीचे चले जाओ, जाके अंडर वाटर वीडियो बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब में फेमस हो जाओ। एंड यहाँ पे आपको कुछ नया नया कलर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट, व्हाइट, लैवेंडर, लेमन टाइप का एक जो कलर था, अभी नया कलर ऐड हुआ है वो है नेवी कलर। हाँ पर हालांकि मेरे को पर्सनली भाई स्मार्टफोन में थोड़ा डार्क कलर ज्यादा जचता है, ऐसा पसंद आता है। आपको क्या लगता है भाई, आपका क्या फेवरेट है कमेंट में बताइए। अभी बात करते हैं इस वाले स्मार्टफोन के यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में। तो मित्रों डिस्प्ले यहाँ पे आपको 6.4 इंच का एक 120Hz वाला हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1200 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, नंबर थोड़ा कम लगता है पर मोर देन एनफ है आउटडोर में। यहाँ पे 401 PPI का पिक्सल डेंसिटी है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, तो मतलब ये वाला जो डिस्प्ले है ये कम्प्लीट डिस्प्ले है। एंड ये वाला डायनामिक AMOLED 2X वाला डिस्प्ले है, जो एक्चुअली घर का डिस्प्ले है, फ्लैगशिप में आता है वही डिस्प्ले ये है। तो मजा यहाँ पे काफी बढ़िया आने वाला है, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है। हाँ यहाँ पे 144Hz 165Hz ऐसा कुछ नहीं है आजकल का जो गेमिंग के नाम पे जो आता है, जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है। यहाँ पे इस डिस्प्ले के साथ जितने सारे एस्पेक्ट है वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी आता है। अभी बात करते हैं इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पे आपको पहले Exynos 2100 देखने को मिल जाता था, जो 5 nm का प्रोसेसर था एंड जो भाई काफी ज्यादा हीट करता था। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी था उस वाले चिपसेट के साथ, इस वाले फोन का जो ना वैल्यू है वही चिपसेट जो है वो डाउन कर रहा था। अभी जो नया वाला एडिशन आया है यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स X1 का जो कोर है वो देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो पीक क्लॉक स्पीड है वो है 2.85 GHz का पीक क्लॉक स्पीड है। और इस वाले स्मार्टफोन में आपको GPU जो देखने को मिल जाएगा Adreno 660 एंड यहाँ पे आपको LPDDR5 देखने को मिलता है एंड UFS 3.1 देखने को मिलता है। हालांकि ये वाला एक मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए काफी बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा फ्लैगशिप के आजू बाजू जा रहा है, पर यहाँ पे भाई परफॉर्मेंस जो है ना उससे भी बड़ा फोकस है यहाँ पे कैमरा। तो दोस्त हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात कर चुके हैं, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर चुके हैं, डिजाइन के बारे में एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैमरा मॉड्यूल। भाई कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे जो है ना फ्लैगशिप से किसी भी हाल में कम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरे पे आपको मेन कैमरा 12 MP का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे OIS देखने को मिलता है, एपर्चर है F1.8 का एपर्चर है। एंड यहाँ पे आपको सोनी IMX555 देखने को मिल जाता है, एक अल्ट्रा वाइड भी है जो कि 12 MP का है, सोनी IMX258 का, जहाँ पे आपको F2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। एंड भाई इस बजट में यहाँ पे इस सेगमेंट में यहाँ पे ज्यादातर कंपनियां जो है ना वो टेलीफोटो सेंसर नहीं देते, पर यहाँ पे 8 MP का टेलीफोटो सेंसर भी है जो है INX AJ847 का है, यहाँ पे जहाँ पे आप OIS वंस अगेन काम करता है एंड 2.4 का यहाँ पे आपको अपर्चर देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में। फ्रंट कैमरा यहाँ पे 32 MP का देखने को, सोनी IMX616 का सेंसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अपर्चर जो है आपको 2.2 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में एंड बैक में दोनों साइड में आप 4K में 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जो लोग व्लॉगिंग करते हो, जो लोग कंटेंट क्रिएटर हो, जिन्हें लोगों को फ्रंट कैमरे से मतलब है, रील्स बनाते हैं वो नॉर्मली भाई फोटोज लेते हो, बहुत ज्यादा
उन लोगों के लिए भाई ये वाला स्मार्टफोन का कैमरा मॉड्यूल ना मतलब फ्लैगशिप के बराबर टाइप का कैमरा मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कैमरा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है एंड ऊपर से भाई 4K 60 fps बोथ साइड वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अभी बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो वंस अगेन एक और चीज ऐसा है जो कि फ्लैगशिप ग्रेड का है, मतलब 4500 mAh का बैटरी है जो कि डिसेंट है। अभी 5000 होना चाहिए था पर डिसेंट है, ठीक है। पर इसके साथ यहाँ पे आपको 25W का वायर्ड चार्जर देखने को मिलता है एंड यहाँ पे 15W का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है एंड यहाँ पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलता है जहाँ से आप अपना TWS एंड स्मार्ट वॉच को भी चार्ज कर सकते हो। तो भाई हुआ ना ये वाला फ्लैगशिप ग्रेड फीचर। एंड अभी आखिरी वाला जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन के बारे में बात करते हैं कि इस वाले स्मार्टफोन में आपको क्या लॉन्ग टर्म में अपडेट मिलेगा या फिर जो अपडेट पहले आपके खत्म हो गया था वही तक खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा One UI 5.1 के साथ एंड 3 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। तो मतलब ये पुराना स्मार्टफोन जो आ रहा है S21 FE पर ये एकदम बिहेव करता है, स्पेक्स देता है आपको जो है आफ्टर सर्विस देता है, मतलब खरीदने के बाद भी जो अपडेट देता है वो सब कुछ एकदम एक नया स्मार्टफोन जैसा देता है। तो यहाँ पे काफी बढ़िया चीज है भाई, पुराने स्मार्टफोन को रिवाइव करना चाहिए जैसे OnePlus को OnePlus 7 सीरीज को फिर से रिवाइव करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है भाई? लेजेंडरी सीरीज था जैसे कि सैमसंग को भाई, सैमसंग के ये वाला स्मार्टफोन जो है ना S21 FE ये भाई काफी वीडियोस में मैंने कैमरास के लिए सबसे टॉप में रख चुका हूं मैं ऑलरेडी एंड मैं अभी भी बोल सकता हूं इसका जो प्राइस आता है ये इसका प्राइस अराउंड यहाँ पे 50,000 का आता है, जहाँ पे आप अगर पहले ही खरीदते हो तो मतलब इंट्रोडक्टरी प्राइस जिसे कहते हैं उसे 45 में ले सकते हो, पर इसका प्राइस अगर 40 तक आता है तो काफी बढ़िया है। फिर भी मैं बोलना चाहूंगा परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करता ये वाला स्मार्टफोन, जो लोग कैमरे के ऊपर फोकस करना चाहते हो, कैमरा जिनका मेन प्रायोरिटी है एंड परफॉर्मेंस मतलब एडिटिंग कह लो, 4K में एडिटिंग कह लो, रेंडरिंग कह लो, हेवी टास्क कह लो, गेमिंग को छोड़ के मतलब गेमिंग भी कर सकते हो पर उतना खास नहीं। तो ये जिन लोगों को मतलब सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे नॉक सिक्योरिटी है एंड यहाँ पे जिन लोगों को एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए उन लोगों के लिए ये वाला स्मार्टफोन है। आप चाहो तो 45,000 इजीली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि गूगल पिक्सल के बाद ना ये वाला स्मार्टफोन है सबसे बढ़िया कैमरा स्पेक्स के साथ आता है ये वाला बजट के साथ, मतलब 50,000 के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा एंड आपको अगर कुछ कहना है, आपके मन में कुछ शंका है तो कमेंट में जाकर बजाइए। खैर जो भी हो एंड जो लोग भाई एक 45,000 के अंदर बढ़िया स्मार्टफोन ढूंढ रहा है उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कैमरा स्मार्टफोन है एंड डे टू डे एंड मतलब एडिटिंग कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, धन्यवाद।